में है
शबीर में रे अरब पर मेरी है
को पहचान ले, दुनिया में अबू तालिब हो। मुझको पहचान ले, दुनिया में अबू तालिब हो। रोज़ो शब सुबह मसा हाफिज़े मोहम्मदी तो निगहबा मैं था, बेसहारा थे मोहम्मद तो निगहबा। इस शेर से लुत्फ आना शुरू हो जाएगा, समाज की जगह। हुस्नो हुस्नो इस्लाम पा आया मेरे एहसानों से, मैंने ईमान को पाला बड़े अरमानों से। और बिजलियाँ गिरती रही कुफुर के ऐवानों से, शम्मे हक बुझने न दी जुल्म के तूफानों से। वो ही करता था जो मर्जी खुदा बंदी थी, मेरा ईमान मोहम्मद की रजा बंदी, मेरा ईमान मोहम्मद की रजा बंदी, मेरा ईमान मोहम्मद की रजा। देखें शब्बू भाई, और जागता था मैं मोहम्मद को सुला देता था, उनके बिस्तर पा मैं बेटों को लिटा देता था। और राह में काटा जो आता था हटा देता, मैं तहे दिल से मोहम्मद को दुआ देता था। रोज इस बोलते कुरान की ज़ियारत करना मेरा मामूल था, इस तरह इबादत करना मेरा मामूल था, इस तरह नारे सवाल पर दे मिलकर मेरा मामूल था, इस तरह इबादत करना। और आज इल्जाम लगाने लगे मुझ पर बेदी, मैं मुसलमान न हुआ लाया मैं ईमान नहीं, मैंने कलमा न पढ़ा मैंने नमाजे न पढ़ी, कुफुर की गोद में ईमान भी पलता है कहीं, कुफुर की गोद में ईमान भी पलता है कहीं। करके साजिश करके साजिश ये लगाया है निशाना मुझ पर, मैं वो मोमिन हूँ के है कुफ्र का फतवा जिस पर, मैं वो मोमिन हूँ के है कुफ्र का फतवा। इस शेर से बहुत लुत्फ आने वाला है, समाज कीजिएगा। के है कुफ्र का फतवा जिस पर, और क्या नमाजे में जमाने को दिखा कर पढ़ता, अपना घर छोड़ के बुदखाने में जा कर पढ़ता। और कलमा पढ़ना था तो एक एक को सुना कर पढ़ता, आपके घर से मैं कुरान मंगा कर पढ़ता, आपके घर से मैं कुरान मंगा। मैं जो पढ़ता था वो कुरान मेरे घर में था, जिस पे लाया था मैं ईमान मेरे घर में था, जिस पे लाया था मैं ईमान मेरे घर में था। और जब 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 मोहम्मद को सताया था वो दिन भूल गए, कत्ल करने का इरादा था वो दिन भूल गए, और दोषी पर कुफ्र का साया था वो दिन भूल गए। जब मोहम्मदी
تنو تنہا تھا وہ دن بھول گئے، دین و اسلام کا عنوان بنے بیٹھے ہو میرے صدقے مسلمان بنے بیٹھے ہو میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے دین و اسلام کا عنوان بنے بیٹھے ہو میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے میرے صدقے میں مسلمان نعرہ صلوات پڑھ دے میرے کر میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو اور اہل ایمان کے لیے بات یہ غیرت کی ہے ایک کافر نے پیغمبر کی کفالت کی ہے خطبہ عبد پڑھانے کی جسارت کی ہے اس میں میری نہیں توہین شریعت کی ہے لمحہ فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے ارے کوئی مومن نہ ملا عبد پڑھانے کوئی مومن نہ ملا عبد پڑھانے کوئی مومن نہ ملا عبد پڑھانے تم جو آئے تھے محمد کی شکایت لے کر 307 خداؤں کی محبت لے کر لات و عزا کی دل و جاں سے حمایت لے کر میرے دروازے پا انکار نبوت لے کر میرے دروازے پا انکار نبوت لے میرے پاس آنے کی تم سب کو ضرورت کیا تھی میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت کیا تھی میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت کیا تھی اور تم نے فرق سحر و شام کہاں سمجھا تھا دین اسلام کو اسلام کہاں سمجھا تھا حق کے پیغام کو پیغام کہاں سمجھا تھا پشت آغاز پہ انجام کہاں سمجھا تھا مال ملتا رہا کھاتے رہے کھانے والے خون دیتے رہے میرے ہی گھرانے والے خون دیتے رہے میرے ہی گھرانے سماعت کیجئے گا ارے جو بہا کرب و بلا میں وہ لہو میرا تھا جو بہادی کی بکا میں وہ لہو میرا تھا اور جو بہا حق کی رضا میں وہ لہو میرا تھا اور جو بہا کرب و بلا میں وہ لہو ارے روز عاشور جو لوٹا گیا گھر میرا ارے کند خنجر سے جو کاٹا گیا سر ارے کند خنجر سے جو کاٹا اور دین اسلام پا قربا ہوا اصغر میرا دین اسلام پا قربا ہوا اکبر میرا رن میں پامال ہوا قاسم مضطر میرا اور دیپا قربا ہوا عباس دلاور میرا دیپا قربا ہوا عباس دلاور میرا ہاتھ کٹوا دیے دامن نہ وفا کا چھوڑا اور بعد مرنے کے بھی
का मिजाज हो, अरे बाद मरने के भी दरिया से ना कब छोड़ा। बंद पानी किया मेहमा पसितम गारों ने, अरे रहम बच्चों पे भी खाया ना जफाकारों ने। अरे की दगा दी से बातिल के परस्तारों ने, अरे कत्ल औलादे नबी को किया गद्दारों ने। अरे कत्ल औलादे नबी को किया गद्दारों ने, बेखता खून किया बोलते कुर्बानों का। अरे कैसा पत्थर का कलेजा था मुसलमान, अरे कैसा पत्थर का करे मुसलमानों का। रूह इस्लाम हजरात ये ऐलान बतौर और समाज हमारे एक गाड़ी यूपी 2014-93 AL70, एक गाड़ी DL625508 ईको जो टंकी के पास खड़ी है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, किसी मरीज को ले जाना है, बराए मेहरबानी जल्दी से करके इस गाड़ी को हटा लें। मैं दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा दरगाह आलिया के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुहर्रम सैयद विशाल म्यारी साहब की खिदमत पे कि वो मौलाना के साथ फौरन मस्जिद में आ जाएं। जनाब मोहतरम विशाल म्यारी साहब जनरल सेक्रेटरी दरगाह आलिया फौरन मौलाना के साथ मस्जिद में आ जाए। सादात को जब राह में देगा कोई सदका सादात को जब राह में देगा कोई सदका याद आओगे भैया या है।
जो सेहरा, अरे दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा आया भैया सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान, अरे शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना में जो कतिल शोरे शहे कर पला हुआ एक चीख मुंह से निकली के अम्मा ये क्या हुआ तड़िपा जो दिल तो खेमे में अरे ज़ैनब ना रुक सकी उठी बढ़ी कनात से टकरा के गिर पड़ी संभली जिगर को थाम के फिर उठ खड़ी हुई अरे मख्तल की समत ठोकरे खाती हुई चली कुछ तन बदन की सुद थी न चादर की फिक्र अरे मख्तल पथी निगाह बरादर की चिल्लाई सर को पीट के अरे भैया चले गए अरे मख्तल में मुझको छोड़ के तन्हा चले गए अरे तुम ही तो थे बहन का सहारा चल अरे दुनिया ही खत्म हो गई तुम क्या चले गए अब्बासो कासी मौली अकबर कोई नहीं अरे बेआसरा हूँ अब मेरे सर पर कोई भैया छीने जो सर से रिदा क्या करूंगी मैं अरे लूटे ये जब ये अहले जफा क्या करूंगी मैं अरे टूटे ये जब बला पे बला क्या करूंगी मैं अरे मेरा तो कोई भी ना रहा क्या करूंगी मैं अम्मा चली गई मेरे बाबा चले गए अरे मख्तल में मुझको छोड़ के तन्हा चले गए जहरा जफाई बानिए